टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? यस, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट को चलने के लिए लाइट इज अ EMW, BMW नहीं, EMW. EMW मतलब शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या क्या आ जाते हैं इसमें? गामा रे सुना है कि नहीं सुना है? यस सर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. इनको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए. समझ गए? दे डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन. कोई मीडियम की जरूरत नहीं है इनको चलने के लिए, बिना उसके भी चल लेती है भाई, वैक्यूम में भी चल लेती है. ठीक है, जैसे अगर हम सन से लेकर अर्थ तक की बात करें, ये सन है, है ना? सन से अर्थ तक कोई मीडियम है क्या बीच में? सर वन डाउट. लो, क्या डाउट है सर? व्हाट इज वायर ए? क्या क्या था? व्हाट इज वायर ए? जो वायर आपने लिखा है वो क्या है? वायर ए, वायर ए कहाँ पे लिखा है? ये यस ये वायर नहीं है, गामा रे. गामा, गामा सुना है? गामा रे. हाँ, यस यस यस, गामा रे. गामा रे सुना है? कैंसर ट्रीटमेंट में काम में आती है. यस यस, कीमोथेरेपी में, है ना? यस, आई नो. वो इसे समझा नहीं था, वो वायर लग रहा था. ओके, कीमोथेरेपी की स्पेलिंग क्या होगी? सी से आती क्या? केस बस बस, सी से आती है. कीमोथेरेपी में काम में आती, कीमोथेरेपी. और एक्सरे तो पता ही है काय के काम में आता है ना, एक्सरे. यस सर. और ये जो रेडियो वेव लिखे लास्ट में, रेडियो वेव सर कम्युनिकेशन के लिए. यस, रेडियो वेव काम में आता है कम्युनिकेशन. इन रेडियो, टेलीविजन. हाँ, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल. माइक्रोवेव भी कम्युनिकेशन के काम में आता है वैसे. और जैसे तुम्हारे घरों में माइक्रोवेव होगा तो उसमें भी इसी का प्रिंसिपल यूज किया जाता है. ठीक है. इंफ्रारेड सर सेंसर्स में यूज होता है. हाँ, सेंसर्स में. क्या चीज? इंफ्रारेड. इंफ्रारेड जो गर्मी फील होती है ना हमें, हॉटनेस जो फील होती है, वो इंफ्रारेड के कारण. सर अभी सेंसर्स में भी यूज होता है ना, आयर. अच्छा हाँ, सेंसर्स. ठीक है, सेंसर्स में भी यूज होता है ये. जैसे आपके घर में जो मोबाइल वगैरह, सॉरी ये क्या बोलते हैं, रिमोट. हाँ, रिमोट में यूज कर लेते इसको, रिमोट में. सर और हम जब कॉल भी करते तो तब वो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है सर, उसमें भी वो थर्मल सेंसर में आयर यूज होता है. तो मैंने हीट और ये लिख दिया. और ये किसके काम में आती है? देखने के. अल्ट्रावायलेट, जर्म किलिंग, फिल्ट्रेशन, जर्म किलिंग. घर में अगर वाटर प्यूरिफायर होगा ना तो उसमें लिखा होगा यूवी ट्रीटेड, आरओ प्लस यूवी. आरओ एक अलग होता वर्ड, एक यूवी ट्रीटेड वर्ड भी लिखा रहता, देखना. जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाटर फिल्टर है ना. यस सर, यूवी ट्रीटेड. एक्सरे का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो है ना. तो ये इनके कुछ कॉमन यूज लिखा मैंने. तो सन से अर्थ तक लाइट को आने में लगते पता कितनी देर? 500 सेकंड लगते हैं.
लगभग लगभग। और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस खाली है, वैक्यूम है ये, मतलब वैक्यूम का मतलब समझ गए, नो एयर, वैक्यूम में भी चल लेती। फिर ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये इन वैक्यूम में, इन वैक्यूम और एयर, और एयर ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, विथ स्पीड ऑफ लाइट, वैसे तो ये पूरा ही लाइट कहलाता है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू सी, एंड इट इज इक्वल टू 3×10⁸ meter per second। मतलब ये सभी वेव, चाहे वो गामा रे हो, चाहे एक्स रे हो, चाहे अल्ट्रा वायलेट हो, चाहे विजिबल रे हो, चाहे इंफ्रा रेड हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे रेडियो वेव हो, वैक्यूम में या एयर में कितनी स्पीड से चलती है, 3×10⁸ meter per second की स्पीड से चलती है। मतलब 299 के आसपास का फिगर है, बट ये एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमने लिखे, अप्रोक्सीमेटेड मतलब बहुत ही नियर बाई वैल्यू है, समझ गए ना, तो इसको इतना ही माना जाता है, 3×10⁸ meter per second की स्पीड से ये सभी वेव चलती हैं, कहां पे, वैक्यूम में या एयर पे। अब इसमें अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की भी बात करें तो विजिबल रे में कितने कलर आ जाते हैं, विजिबल रे में, विजिबल रे बनता है विव ग्योर से, विव ग्योर समझ गए कि नहीं, यस सर, विव ग्योर मतलब ये बन गया आपका सेवन कलर, है ना, ये सेवन कलर, तो ये सभी कलर, सेवन कलर भी इसी स्पीड से चलते हैं, कहां पे, वैक्यूम में या फिर एयर पे, मतलब सभी कलर की स्पीड एक जैसी होती है लेकिन वेवलेंथ अलग अलग होती है भाई इनकी, एयर पे या वैक्यूम पे, है ना, एयर पे या वैक्यूम पे इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है बट स्पीड सभी की कैसी होती है, सेम होती है। व्हाट इज दैट स्पीड, दैट इज इक्वल टू 3×10⁸ meter per second। मैंने एक और इंफॉर्मेशन लिया है कि सन से अर्थ तक लाइट को आने में लगभग लगभग कितना टाइम लगता बेटा, आगे के लिए याद रखना, ये 500 सेकंड टाइम लगता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि लगभग एवरेज डिस्टेंस है ये, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब एवरेज टाइम है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा 1-2 सेकंड का या आधा सेकंड या उससे भी कम का, बट ये एक एवरेज टाइम है क्योंकि सन और अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, अगर एग्जैक्टली सर्कुलर होता तो फिर एग्जैक्ट टाइम आता, बट एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होने के कारण ये मैंने एवरेज टाइम लिखा है, है ना, तो ये ध्यान रखना 500 सेकंड लगते हैं, आसान होता है याद रखना, ठीक है। आप अब डिस्टेंस निकाल सकते हो क्योंकि आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो ये डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो, बट ये हमारे स्टडी का पार्ट नहीं है, एक हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ी। तो लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये सभी कुछ आ जाती है, लाइट या वेव का मतलब हो गया उनमें एनर्जी भी होती है, तो इन सभी वेव में सबसे ज्यादा एनर्जी या पावरफुल वाली कौन सी वेव होती है, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी होती है, हेलो, इन सभी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, ये सभी को लिखा मैंने, सर रेडियो, नहीं, चलो ऐसा देखते ये मेरे पास मान ले टार्च है, दिस इज द टार्च, मैंने हाथ पे डाला ऐसा, तो टार्च की लाइट इधर से बाहर चली जाएगी क्या, अल्ट्रावायलेट डालोगे, अल्ट्रावायलेट हो सकता है जाए, म्यूटेशन करे, कुछ करे, एक्सरे डालोगे तो जाएगी, निकलती है, हड्डियों को पार नहीं कर पाती, एक्सरे जो होती है ना, हमारे जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, उसको पार कर जाती है लेकिन हड्डियों को नहीं कर पाती, और गामा रे अगर डालोगे तो हड्डियों को भी पार कर जाएगी, मतलब पावरफुल कौन सी हुई, गामा रे ऐसा समझ लो इसको, है ना, अगर हम विजिबल रे डाल रहे तो पार करके नहीं जाएगी, एक्सरे अल्ट्रावायलेट डाले तो हो सकता है थोड़ा बहुत जाए, लेकिन एक्सरे पार कर जाती लेकिन हड्डियों को पार नहीं करती, इसलिए तो एक्सरे देख लेते डॉक्टर, क्योंकि जो मांस वाला पोर्शन उसको पार कर जाती है, हड्डियों को पार नहीं करती, गामा रे और ज्यादा पावरफुल होगी, उसको भी पार कर जाती हड्डियों को भी, तो फिर पावरफुल कौन सी हुई, पावरफुल बोलने से ज्यादा अच्छा है गामा,
एनर्जी वाइज तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसकी गामा रे। तो अगर हम एनर्जी वाइज देखें तो इस साइड पे जाने पे एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इस साइड पे एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब गामा रे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है और रेडियो वेव सबसे कम एनर्जेटिक होती है। ठीक है, समझ गए? सबसे कम रेडियो वेव एनर्जेटिक होती है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सी होती है, गामा रे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है। ये समझ गए बेटा आप लोग? कोई डाउट किसी को इस पे? कोई डाउट किसी को कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है? ठीक है, स्क्रीनशॉट। लाइट सबसे ज्यादा स्पीड क्यों है? लाइट ही सबसे ज्यादा स्पीडेस्ट सब्सटेंस क्यों है? मैं समझा नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लाइट ही सबसे स्पीडेस्ट सब्सटेंस क्यों है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उससे और कोई क्यों नहीं है? अच्छा, उससे और कोई क्यों नहीं है सर? क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल, मास बहुत, हाँ वो पता है, मास नेग्लिजिबल है, बट मास बहुत ही कम है। एनर्जी नहीं, अभी अभी थोड़ा और पढ़ो तुम लोग, अभी इसका जवाब मिलेगा तुमको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा अपने को, 12 तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, मैं अगर ये जवाब अभी देने जाऊंगा तो हम आउट ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे, मैं इसलिए अभी बच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, समझ गए? इसका भी जवाब मिल जाएगा तुमको कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बोल दिए, मिलकर किससे बनी है, उनकी स्पीड कितनी होती, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, डेढ़ साल तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए आपको। ठीक है बेटा, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, क्योंकि इसका जवाब के लिए हमको थोड़ा और फिजिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा, तो अभी हम उतना नहीं जा रहे यहाँ पे, बस ये समझ लो कि अभी नेचर में जो भी है सबसे ज्यादा स्पीड इसी की होती, लाइट की होती, क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है, बट मास इज नॉट द रीजन। एक्चुअल में इसमें ड्यूल थ्योरी चलती है, एक पार्टिकल थ्योरी चलती है और एक वेव थ्योरी चलती है। हम लाइट को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लाइट को क्या बोल रहे हैं हमने? वेव। वेव, वेव में मास कहाँ से होता है? वेव में मास नहीं होता ना। Yes, sir. मास होता है क्या? नहीं होता। तो मास की कॉन्सेप्ट तो आएगी नहीं यहाँ पे। जब हम लाइट को पार्टिकल मानेंगे तो फिर मास की कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स लाइट को पार्टिकल भी माना जाता है, क्योंकि कुछ फिनोमेना फोटोन, जहाँ फोटोन के फॉर्म पे, हाँ सुना है कि नहीं, फोटोन नाम। तो yes, लाइट, yes, लाइट के ना दो रूप होते हैं, इसलिए इसके ड्यूल कैरेक्टर भी बोला जाता है। एक कैरेक्टर होता है वेव और एक कैरेक्टर होता है पार्टिकल, और पार्टिकल कैरेक्टर में एक सिंगल पार्टिकल को फोटोन बोला जाता है। तो इसके दो नेचर हैं, दो कैरेक्टर हैं, वेव के जैसा भी और पार्टिकल के जैसा भी। हाँ, व्हाट इज पार्टिकल? पार्टिकल मतलब कोई भी बहुत छोटी चीज, बहुत स्मॉल, उसको पार्टिकल बोल देते। ठीक है, हेलो हेलो सर, बहुत छोटी चीज वो तो फिर एटम हो जाएंगे ना, एटम भी तो बहुत छोटी चीज है। पार्टिकल आप देख, ये एक्चुअल में ना पार्टिकल जो वर्ड है ये थोड़ा रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म मतलब जैसे ये पेन का ढक्कन अगर तुम 1 किलोमीटर दूर से देखोगे तो कितना बड़ा दिखाई देगा? कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, नहीं 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 देगा। चल 100 मीटर दूर से दिखाई देगा? नहीं। अच्छा चल, तू भाई एरोप्लेन को अगर देख रहे हो, एरोप्लेन को पास से देख तो पूरा घर के बराबर दिखता है कि नहीं? Yes. Yes, जब हाइट में उड़ता है तो ऐसा चिड़िया के जैसे दिखता है। Yes. Yes. एरोप्लेन को क्या बोल देंगे कि यार कोई पार्टिकल उड़ रहा है, कोई चिड़िया उड़ रही है, ऐसा। समझ गए? तो इट इज समथिंग रिलेटिव टर्म, बट पार्टिकल का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत छोटा होता है उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर हो गया? हम अगर किसी चीज को देख रहे हैं जिसका साइज बहुत छोटा है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल। समझ गए? किसने सर, फिर जो एटम्स वगैरह से रहेंगे, हां वो भी फिर पार्टिकल्स में आएंगे? यस, कोर्स एटम्स वगैरह भी पार्टिकल्स में आएंगे, बट हम एटम्स को डायरेक्ट आंखों से देख ही नहीं सकते, किसी भी एक एटम को। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, तो कलेक्शन ऑफ एटम अगर मिला लें और फिर उसका साइज बहुत छोटा जिसको हम देख पा रहे, जैसे चाक के टुकड़े समझ लेना भाई, चाक के टुकड़े समझ गए कि नहीं? या डस्ट पार्टिकल डायरेक्ट देखते हैं क्या अपने को? वो तो कहीं जम गए तो फिर अपने को नजर आते, या फिर उसको देख लेना, जैसे लाइट गोल हुई है और टीवी के पास तुम टार्च मार के देखना उसकी स्क्रीन पे, कुछ ऐसे पार्टिकल जमे हुए दिखते।
अभी समझ गया? यस सर. है ना, क्लियर हो गया? अभी पार्टिकल का मतलब जिसका साइज बहुत छोटा है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल. अब कितना छोटा है हम भी नहीं बता सकते भाई, कितना छोटा मानना है, कितना बड़ा मानना पार्टिकल. ये पेन को भी आप पार्टिकल मान सकते हो अगर बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, और अगर मैं इसको ब्लेड से एक छोटा सा काट के बिल्कुल छोटा सा निकाल दूं तो फिर हम उसको भी पार्टिकल बोल सकते हैं. तो ये एक रिलेटिव टर्म होता है पार्टिकल. क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी पार्टिकल के बारे में? नो सर. क्या बताया मैंने, लाइट के ड्यूल कैरेक्टर होते हैं, एक वेव कैरेक्टर होता है, एक पार्टिकल कैरेक्टर होता है. कि लाइट वेव के जैसा भी बिहेव करती है, मतलब ये सब, और पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करती है. मतलब पार्टिकल का मतलब ये हो गया, जैसे पेन को मैं फेंक के मारूं किसी को तो उसको चोट लगेगी, लगेगी कि नहीं? पार्टिकल को फेंक के मारे हमने, इसमें मास है, इसमें वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी जाके लगी. और वेव के फॉर्म पे भी लाइट जाके अगर आ रही हमारी बॉडी पे तो भी हमको फील हो रहा है, जैसे आप धूप में बैठ जाओ फील होती गर्मी, होती कि नहीं गर्मी? यस सर. एनर्जी रिसीव होती है. तो उसको आप ऐसा समझ रहे हैं कि पेन को फेंक के मार रहे तो चोट लगती, लेकिन लाइट के पास बैठोगे तो चोट तो नहीं लग रही, लेकिन आपको फिर भी एनर्जी फील हो रही है. हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है. तो वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म पे आ रही है या फिर वेव के फॉर्म पे आ रही है, उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको आप देख फील कर पा रहे हो. ऐसा अभी समझ गए? यस सर. सर लाइट किससे बनी है? लाइट भी एटम से बनी है? नहीं नहीं, लाइट एटम से नहीं बनी बेटा, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि लाइट किससे बनी है. ठीक है, एक डेढ़ साल वेट करना पड़ेगा तो. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक डेढ़ साल में तुमको पता चल जाएगा कि लाइट किस. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. ओके फाइन, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे. अब हम आ रहे हैं विजिबल रे पे, बेसिकली बिब्योर पे. Now this is page number 2. हम देख रहे हैं यहाँ पे विजिबल रे के बारे में. तो विजिबल रे बिब्योर, मैं थोड़ा ना वेवलेंथ के फॉर्म पे लिख देता हूँ और फिर हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म पे लिख देते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अगर हम इनकी वेवलेंथ देखें तो इसकी वेवलेंथ लगभग लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ लगभग लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम होती है. लेकिन ये सभी सेम स्पीड से चलते एयर पे, और ये हम विजिबल रे कहां पे देख रहे हैं? एयर या फिर वैक्यूम पे हम देख रहे हैं इनको. और एयर या वैक्यूम पे ये सभी कलर ट्रेवल विद सेम स्पीड से चलते, दैट इज स्पीड c इक्वल्स टू 3×10^8 मीटर पर सेकंड. अब ये एंगस्ट्रॉम एक नया टर्म आ गया, पहली बार सुना एंगस्ट्रॉम वर्ड? यस सर. यस सर. यस सर. तो ये वेवलेंथ है बेटा इनकी, मतलब ये जो वेवलेंथ होती है ये लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब कि बिब्योर की जो वेवलेंथ है ये 5, सॉरी ये गलत लिखा मैंने, इट इज अप टू 8000. कोई शार्प बाउंड्री नहीं, बट ये ऐसा है ना, वेवलेंथ यहां से यहां तक होती है, आप ये समझ लो. वेवलेंथ लैम्डा ये यहां से यहां तक चलती है, और सभी एक ही स्पीड से चलते, लेकिन चाहे वायलेट कलर हो, चाहे इंडिगो, चाहे ब्लू, चाहे ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड, सेम स्पीड से चलते. कहां पे सेम स्पीड से चलते? एयर पे या वैक्यूम पे. अब इसमें एक और टर्म आ गया, ये एंगस्ट्रॉम है क्या? तो एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस को मेजर करने की एक बहुत छोटी यूनिट होती है. जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे व्हाट इज 1 centimeter, तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज 1/100 meter, बराबर है, या फिर 10^-2 meter. ये समझ गए कि नहीं? 1 centimeter. यस सर. Is it clear? Yes, sir. 10^-2 meter, है ना? 1 centimeter is 1/100 meter. It is 10^-2 meter.
अगर किसी कारण से कोई नेटवर्क से बाहर चला जाता है क्लास से बाहर, तो दोबारा रीज्वाइन हुआ करो, जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक रीज्वाइन हुआ करो, ऐसा नहीं कि एक बार हो गए तो फिर निकल गए तो निकल ही गए, ऐसा नहीं। तो वैसे ही वन एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर। 10^-10 मीटर मतलब कितने जीरो लगेंगे एक के बाद, एक मीटर का कौन सा हिस्सा, पावर जितनी होती उतने जीरो, 3, 6, 9 और 1, 10। मतलब एक मीटर का कौन सा हिस्सा है, अच्छा 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा हिस्सा कहलाता है, 100। हाँ, 1 मीटर के 100 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर बनता है। अगर 1 मीटर के आप 100 बराबर टुकड़े कर लो तो एक टुकड़ा किसके बराबर आएगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 1 मीटर के 100 इक्वल पार्ट, हाँ 1 मीटर के 100 इक्वल पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी समझ गए, यही मतलब हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर हो गया, अभी आप समझ लो, 1 एंगस्ट्रॉम 1 मीटर के कितने पार्ट है बताओ जरा, यहाँ तो काउंटिंग ही नहीं समझ में आ रही मुझे, एक के बाद कितने जीरो, 10, 0, 6, 9 इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। सोचो कितनी छोटी यूनिट है, 1 मीटर के 100 टुकड़े बराबर टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर के कितने टुकड़े कर दिए आपने, कितने इक्वल टुकड़े कर दिए, काउंटिंग बनेगी कितनी आएगी, दस अरब, अरब सुनते हो कि नहीं, 10 अरब है ये। ट्रिलियन अरे वो मिलियन थोड़ा इसमें जो हमारी कॉमन लैंग्वेज में है वो वाले बात करो, देखो लाख करोड़ फिर अरब आते कि नहीं आते ऐसे, अरब फिर खराब आ जाता है, फिर और भी आती गणना है ऐसी, खत्म नहीं होती है ना, तो ये कितना है, एक क्वेश्चन है, हाँ बोल सर, जैसे कि एक्सरे है, गामा रे, यूनिवर्सल रेस, यानी रेस के सारे टाइप्स है, तो यानी रेस यानी कि ये किससे बने रहते हैं, और यानी इनका फंक्शन क्या रहता है, क्या समझेंगे, ये सब एनर्जी का पार्ट है, मतलब एनर्जी का पार्ट है। अभी अच्छा ये तू बोल रहा है कि एक्सरे का साइज कितना बड़ा होता है, वेवलेंथ है ना, यस हम उसी पे आ रहे हैं अभी। अभी इसको इमेजिन करना है कि जैसे रेड इसमें विजिबल रे में ये सभी कलर है, 4000 एंगस्ट्रॉम से चालू होकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक लगातार होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं ब्रेक है कि 4000 के बाद सीधे 5 आएगा, 5 के बाद सीधे 6 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 4000 के बाद में 4000.00001 4000.00002 लगातार होता है ये स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रेक करके मिलते हैं, पूरा लगातार जितने भी रेस है, एक्स रेस, यूनिवर्सल रेस, ये सारे एक ही रेस से बने हैं या सारे डिफरेंट है एक दूसरे से, बात नहीं, उनका जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है बोल सकते हो, लेकिन नेचर एक ही है। नेचर मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड सुना है, मैग्नेटिक फील्ड सुना है, यस यस, तो ये बनी किससे है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से है उसके अकॉर्डिंग फिर कोई एक्स रे बन गई, कोई गामा रे बन गई, कोई अल्ट्रावायलेट बन गई, कोई विजिबल बन गई है, समझ गए, Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है बेसिकली। अच्छा, सारी जो भी लाइट्स है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है, हाँ सभी लाइट मतलब चाहे गामा हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे रेडियो वेव हो, सब किससे मिलकर बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी। ओके सर, थैंक यू।
हाँ जैसे मैग्नेट होती, मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड बनती, कौन सी फील्ड बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं कि नहीं? यस सर। ऐसे चार्ज सुना, चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में चार्ज। यस सर। तो ये चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये जो वेव बनती है, जो लाइट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनती है, एक अकेले से नहीं है, दोनों का मिल फॉर्म है, दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। लेरिया? यस सर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वायलेट कलर की लाइट लेता हूं तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है। जैसे अगर मैंने वायलेट कलर की लाइट लिया और अगर मैं वेव मान रहा हूं, ये वायलेट कलर की लाइट है ना, तो इस वायलेट कलर की लाइट की वेवलेंथ यहां से दो ट्रो से ट्रो तक का डिस्टेंस ये कितना आएगा? अगर ये वायलेट कलर की लाइट है तो मान लो ये कितना है, 4000 है। 4000। हाँ, बट ये ऐसा नहीं है कि वायलेट कलर सिर्फ 4000 पे रहेगा, 4001 में भी वायलेट आएगा, 4002 में भी वायलेट रहेगा। एक लोअर बाउंड्री मैंने लिख दिया, बट इट इज ऑल्सो नॉट द लोअर बाउंड्री, 3900 में भी वायलेट कलर होता है, इसलिए तो उसके पहले अपन अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, समझ गए? फिर वो वायलेट कलर से धीरे धीरे आपको दिखेगा नहीं, वो एक्सरे की रेंज में पहुंच जाएंगे, फिर उधर के डिसअपियर हो जाते। ऐसे ही 8000 के बाद में थोड़ा धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते, फिर हमको वो कलर नहीं दिखते, इंफ्रारेड हमको नहीं दिखता, रेडियो वेव हमको नहीं दिखती, माइक्रोवेव नहीं दिखती, समझ गए? हमको सिर्फ कौन सी दिखती, विजिबल वाली दिखती है। और ये सारे कलर जब मिल जाते हैं तो इसको फिर आप कौन सा कलर बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड विच कलर? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर, ये पूरा व्हाइट कलर आपको जो दिखता है, जैसा आपको रूम में ऑब्जर्व हो रहा है, समझ गए? यस सर। तो ये वेवलेंथ मैंने लिया, मतलब आप इमेजिन कर लो कि ये 4000 एंगस्ट्रॉम है इतना। अब ऐसे ही फिर एक्सरे की साइज आ जाएगा वेवलेंथ का, आप सोच लो। ऐसे ही फिर रेडियो वेव का, रेडियो वेव का तो 1 सेंटीमीटर के ऑर्डर का हो जाता है, बहुत बड़ी वेवलेंथ होती रेडियो वेव की, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, एक्सरे की और छोटी होती, गामा रे की तो और भी छोटी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम में चले जाते हैं, उससे भी नीचे। तो ये लगभग लगभग ऐसा होता है, ये वेवलेंथ हो गया। हाँ, इसमें भी एक फार्मूला हमेशा वैलिड रहेगा, वी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एफ, बराबर है, वेव है ना, ये फार्मूला हमेशा वैलिड रहेगा, वी इक्वल्स टू लैम्डा एफ। क्लियर हो गया बेटा? सर, जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रहती है सर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना? हाँ, लेकिन ये सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए है, एयर या वैक्यूम में, क्योंकि सभी एक ही कलर से चल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे फॉर लाइट, फॉर लाइट ऑल कलर इन वैक्यूम, इन वैक्यूम भी इज इक्वल टू सी, सभी कलर की स्पीड सी होती है, तो C equals to lambda into F, क्योंकि C constant है, ये तो fixed value हो गई, ये तो constant value हो गई, तो C is equals to lambda into F लिखने के कारण आप बोल सकते हो कि frequency is inversely proportional to, या फिर ये C divided by lambda, या lambda is equals to C divided by F, क्योंकि C constant है, इसलिए आप बोल सकते हो कि frequency is inversely proportional to wavelength, और wavelength is inversely proportional to frequency, समझ गए? Yes, लेकिन 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 ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर के लिए वैलिड है, वैक्यूम या एयर के लिए, पानी के लिए नहीं है ये, ग्लास के लिए नहीं है, ग्लास में भी लाइट चलती है, पानी में भी लाइट चलती है, बट ये नहीं आएगी फिर रिलेशन, ये सर, तो उसमें रिलेशन क्यों चेंज हो जाएगा? नहीं, उसमें फ्रीक्वेंसी से आपको इक्वेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है जहां से ये वेव जनरेट होके आई है, उसका जो सोर्स है वो तो नहीं बदलेगा, एयर पे नहीं बदलेगा, पानी पे नहीं बदलेगा, जो सोर्स से वो वेव जनरेट हुई है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो फिर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अब हम उसी पे आने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, अभी देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 2 था कि 3 था ये? सर 2 था। ओके, देन नाउ पेज नंबर 3। अभी देखो, अब जो हमारी हेडिंग है ना, हम हेडिंग पे पहुंचने वाले हैं।
सर ये पेज नंबर 4 है। पक्का? यस सर। अरे यार हाँ ठीक है, 4 लिख दिया मैंने। चलो देखो तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा स्क्रीनशॉट भेजने में तुम्हारा, ठीक है वो तुम लोग देखना एक बार। हाँ अभी यहाँ पे ये सपोज एयर मीडियम है इधर पे, और ये कौन सा मीडियम है यहाँ पे, वाटर मीडियम, ठीक है। यहां पर से मैंने कौन सी लाइट लिया, ये वायलेट कलर की लाइट आ रही है, दिस इज वायलेट कलर की लाइट है, और इसकी वेवलेंथ यहाँ पे एयर पे है 4000 एंगस्ट्रॉम, समझ गए। जब ये पानी में जाएगी तो क्या इसका कलर बदल जाएगा, वायलेट कलर से कुछ और हो जाएगी, रेड हो जाएगी क्या? नो यस और नो? यस। तो ये अभी भी वायलेट कलर की रहेगी, लेकिन यहाँ पे पानी पे आने पे इसकी वेवलेंथ जरूर बदल जाएगी, ठीक, इसकी वेवलेंथ बदल जाएगी यहाँ पे पानी पे आने पे। हाँ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू सी, दैट इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या नहीं बदलेगा यहाँ पे। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो यहाँ पे पानी पे जाने पे फ्रीक्वेंसी बदलेगी कि वही रहेगी? सेम वही रहेगी। हाँ वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी बेटा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मान लो एफ डब्ल्यू है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लो ए है। तो जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो क्या नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी इन एयर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन वाटर, क्या बदल जाएगा, स्पीड बदल जाएगी। स्पीड इन एयर इज इक्वल टू सी, पानी में स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी लाइट को चलने की? ज्यादा सर, कम। कम होगी, कम होगी बेटा। आप इसको सीधा सीधा ऐसे समझ लो, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, थोड़ी सी कम एयर पे होती है, थोड़ी सी मतलब बहुत बहुत थोड़ी, इसलिए हम एयर या वैक्यूम के लिए सिमिलर वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है समझ गए सर? एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम पे होती है, और वैक्यूम से बहुत 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 थोड़ी कम एयर पे होती है, लेकिन बाकी मीडियम में फिर लाइट की स्पीड चेंज होती है, ठीक है। तो अगर हमें वैक्यूम बनाना होगा तो हम एयर को कैसे रिड्यूस करेगा, ट्राई करना होगा वैक्यूम। अच्छा वैक्यूम बनाना है तो एयर को कैसे निकालना पड़ेगा, वैक्यूम पंप होता है? वैक्यूम पंप होता है, देखा कि नहीं वैक्यूम पंप? नहीं नहीं देखा, बट सुना है कि नहीं वैक्यूम पंप? हाँ सुना है। सुना है तो मान लो किसी कमरे से, अब लेकिन क्या है ना पूरा एयर टाइट करना पड़ेगा और उसके अंदर वैक्यूम पंप का जो डंडी होती है ना उसको डाल देना, पूरी अंदर वहां की एयर को खींचते जाएगा खींचते जाएगा, ठीक है। हाँ समझ गया। वैक्यूम में एयर ऐसे रहती क्यों नहीं है? अच्छा वैक्यूम में एयर क्यों नहीं रहती? ओके क्यों नहीं रहती, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, यहाँ पे इस कमरे में अगर अपने पास कोई डब्बा है और उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया और फिर अगर खोल दिए ढक्कन तो वो तो एयर चली जाएगी वहां पे, ऐसा थोड़ी कि नहीं रहेगी, समझ गया? ठीक है ऐसा थोड़ी कि नहीं रह सकते। हाँ अब ये बोलो कि हमारे अर्थ का जो एटमोसफियर है, अगर मान लो अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो हमारा जो एटमोसफियर है ना वो नहीं बचेगा, वो पूरा भाग जाएंगे, जो एयर पार्टिकल है सब दूर दूर भाग जाएंगे, स्पेस में भर जाएंगे, लेकिन क्योंकि स्पेस इतना बड़ा है कि जो एयर के पार्टिकल यहाँ पे बिल्कुल पास पास में है, स्पेस तो बहुत बड़ा देखा वहां पे, तो अभी सोचो फिर कैसा होगा ये। ये तू बिल्कुल वैसे ही समझ ले, एक एक मुट्ठी चावल ले ले और उसको अगर तू चादर पे गिरा रहा है तो आप काउंट कर सकते हो आप जो स्कैटर्ड हुआ है, लेकिन अगर उसको तूने छत से खड़े होके सड़क पे बिखरा दे तो दिखेगा वो कि कहाँ चलेगी? नो नो ये बिल्कुल वैसे ही कुछ है, अभी समझ गया? हाँ थैंक यू सर। तो क्या नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, स्पीड बदल जाएगी। तो स्पीड इन एयर इज इक्वल टू सी एंड इट इज ग्रेटर देन स्पीड इन वाटर। ऐसे वेवलेंथ की बात कर ले अगर हम,
तो वेवलेंथ स्पीड, ये तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म हो गया, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा इन एयर इज आल्सो ग्रेटर देन लैम्डा इन वाटर, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट टर्म। तो आपके पास जो फार्मूला आएगा, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा वैलिड है, वी इक्वल्स टू एफ इनटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, तो एफ इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा, मतलब स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एयर इक्वल्स टू स्पीड इन वाटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन वाटर, ऐसा लिखोगे इक्वेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। सर एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। सर अगर मतलब जो वेवलेंथ होगी सर, वो अगर आप उसमें चेंजेस करेंगे वेवलेंथ में, तो सर नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड भी मतलब उसमें चेंज होगा ना? नहीं, उस पे चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज करने पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड में नहीं, क्योंकि वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो स्पीड भी कम हो रही है वेव की, और उसके कारण जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे टेंस है, ऑसिलेशन पर सेकंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी उतने ही होंगे पार्टिकल, ठीक है। सर जैसे अगर हम वेव डायग्राम बनाएंगे, मतलब एक में हम वेवलेंथ मतलब थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे और एक में छोटा रखेंगे, तो सर ऑसिलेशन जो होगा सर वो तो मतलब चेंज होगा ना? नहीं बेटा वैसा नहीं है कि ऑसिलेशन, सर वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। किसके किसके स्पीड वेवलेंथ इज, नहीं नहीं मैंने पिछली क्लास में तुम्हें ध्यान होगा जब वेव पढ़ रहे थे हम, तो मैंने ये बताया था कि जो वेव स्पीड होती है वो सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है, और जो वेवलेंथ होता है बेचारा वो दोनों पे डिपेंड करता है, समझ गया? हेलो, यस सर। हाँ, एक्चुअल में वेव है क्या, डिस्टरबेंस है। अब डिस्टरबेंस स्लो भी आगे चल सकता, फास्ट भी आगे चल सकता है, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट हो रहे हैं, तो वो जिस रेट से यहाँ पे ऑसिलेट होते उसी रेट से यहाँ पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मीडियम की प्रॉपर्टी क्योंकि अलग हो जाती है, तो जो डिस्टरबेंस है वो आगे अलग स्पीड से बढ़ता है। बात समझ गए? हेलो, किसने पूछा था ये? हेलो सर, मैंने पूछा। हाँ अभी समझ गया पवन? हाँ सर ये समझ गया, बट मतलब जैसे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे ऑसिलेशन फास्ट हो रहा है, यहाँ पे स्लो हो रहा है, तो स्पीड भी, सॉरी यहाँ पे ऑसिलेशन मान लो 10 है और यहाँ पर भी 10 हो रहा है, तो फिर स्पीड क्यों बदल रही है ना? यस सर। हाँ एक्चुअल में स्पीड का इससे ऑसिलेशन से स्पीड का लेना देना नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखो, वेव स्पीड का या डिस्टरबेंस का, मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट होते हैं, बट हम जनरल वेव की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फिर आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, लेकिन जो डिस्टरबेंस होता है जब आगे बढ़ता है, तो वो मीडियम की दूसरी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, समझ गए ना? हेलो, यस सर। हाँ क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। हाँ तो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड नहीं है कि ऑसिलेशन और स्पीड डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपने फार्मूले से कनेक्ट किया है, बट ये डायरेक्टली नहीं, ये इंडिपेंडेंट टर्म होता है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट टर्म है, और वेवलेंथ बेचारा दोनों के बीच में पिसा हुआ टर्म है, समझ गए? हेलो, ओके स्क्रीनशॉट लो। तो ये समझ गया, रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे गई, क्या नहीं बदला बेटा, क्या नहीं बदला? फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। अब यहीं पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो अब तुमने क्या पढ़ा था, लाइट को ऐसा वेव नहीं पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन मान लिया था, क्यों मान लिया था स्ट्रेट लाइन बता सकते हो क्या? क्योंकि ये वेवलेंथ इतनी छोटी है कि हमारी आंखों से ये सीधी दिखती है, हाँ या ना? अरे समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ये वेवलेंथ इतनी छोटी है तो हमारी आंखों से ये सीधी दिखती है, तो आपने इसको सीधा रे मान लिया भैया, कि ये इंसिडेंट रे, और ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया यहाँ पे नॉर्मल, और ये इधर पे आ गई वेव, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये हो गई यहाँ पे रिफ्रेक्टेड रे, बराबर है? तो क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी इसलिए आप ऐसा मान लेते हो, और फिर यहीं पे बन गया आपका स्नेल्स लॉ कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू होता है सी डिवाइडेड बाय वी, सी मतलब यहाँ पे लाइट की स्पीड और वी मतलब यहाँ पे लाइट की स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और हाँ वाटर लिखा तो वाटर लिख दिया मैंने, और ये एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स,
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टर्म बन जाता है. तो व्हाट इज म्यू हियर? म्यू इज स्पीड ऑफ स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर मतलब मीडियम. तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बन गया. अभी समझ गए सर? आप एक बार इसका डेरिवेशन बता दीजिए. हाँ वो बता रहा हूँ मैं, पहले स्क्रीन शॉट लो इस पेज का, बताता हूँ. स्क्रीन शॉट ले लो. ले लिए? यस सर. यस सर. Now this is page number 5. यहाँ पे क्या जाता है आपका फिर स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या आ गया? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर दैट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी. और इसको एक कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है. और ये जो कॉन्स्टेंट है म्यू दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कोई यूनिट आएगी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? नो सर. नहीं कोई यूनिट नहीं रहेगी है ना, क्योंकि स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड है या एंगल डिवाइडेड बाय एंगल है. तुमने पढ़ा होगा साइन की कोई यूनिट नहीं है. साइन 31/2 होता है. कोई यूनिट में आता है क्या ये? नो सर. नो सर. है ना, यूनिट में नहीं आता ये. कॉस थीटा भी कोई यूनिट में नहीं आता, साइन नहीं आता. तो दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये अगर यहाँ पे एयर है और ये वाटर है तो साइन ऑफ आई इन एयर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इन वाटर दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर सी अपॉन वी दैट इज कॉल्ड म्यू डब्ल्यू ए. तो ये म्यू डब्ल्यू ए का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर With respect to air. समझ गए अभी कि डाउट है कुछ? तो समझ गए. समझ गए स्नेल्स लॉ. तो ये रिलेशनशिप किनने बताई? स्नेल्स ने बताया. मतलब इसको कनेक्ट करके बताया स्नेल्स ने कि ऐसा होता है, इसलिए फिर स्नेल्स लॉ के नाम पे पड़ गया ये. ठीक है. हेलो. यस सर. यस सर. कोई डाउट अभी बेटा इस पे? नो सर. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? डन सर. हाँ तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं. पेज नंबर 6 पे आते हैं. डेरिवेशन समझ गए? स्नेल्स लॉ क्या है समझ गए? यस सर. यस सर. तो अब तुमने क्वेश्चन यहां से किया होगा सर. वो साइन है अपन साइन आर क्यों लेते हैं? वो लॉ बनाया ना उसने. अब ये क्यों लिया होगा? उसने ऑब्जर्वेशन किया होगा बहुत सारे, उसके बेसिस पे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा होगा. ठीक है. यस सर. हेलो. वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा होगा उसी के बेसिस पे. ये एयर है, ये वाटर है, मान ले यहां से लाइट आ रही है. तो अब इसको सीधा सीधा ले लेते हैं. मान लो लाइट ये कितने 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट आई है और ये 60 डिग्री के एंगल पे है. चलो ये एंगल को हम बाद में निकाल लें. ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे लाइट आई. ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे लाइट की स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे लाइट की स्पीड भी निकालना है. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 1.5. ठीक है. समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? यस. तो अब इसको कैसे करोगे? फ्रीक्वेंसी बदलेगी क्या यहाँ से यहाँ पे जाने पे? फ्रीक्वेंसी नो सर नहीं बदलेगी. नो सर. निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी? अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है इन एयर तो C is equals to lambda into F. तो C की वैल्यू होती 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. वेवलेंथ कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम into frequency. So therefore frequency is equals to 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड upon 4000 एंगस्ट्रॉम.
अभी कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, एंगस्ट्रॉम को बदलना पड़ेगा. अभी बताया था मैंने वन एंगस्ट्रॉम कितना होता है, व्हाट इज वन एंगस्ट्रॉम, 10 टू द पावर -10 मीटर. तो यहाँ पे चेंज कर दोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय 4000 × 10⁻ एंगस्ट्रॉम को बदल के -10 मीटर कर दोगे. अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया. फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन तो पूछा नहीं था पर वो भी कर दिए, ये बट गए हम पे. इसको क्या लिख दोगे, 3 × 10⁸, 10⁻ ऊपर चला गया और ये 4000 है. तो अब ये किसमें बच रहा, 1/s और 1/s मतलब होता हर्ट्ज. ये बन जाएगा सॉल्व करते, ये बन जाएगा कि नहीं? यस सर. यहाँ पे 3 जीरो हैं तो ऊपर के 3 जीरो कम हो जाएंगे, तो 3 × 10⁻ यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे बचेगा 5 × 10⁻ डिवाइडेड बाय 4 हर्ट्ज. तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 3/4 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज. अब 3/4 को भी और सॉल्व कर लो, 0.75 आ जाएगा ये. तो इसको भी सॉल्व कर लोगे तो ये 0.75 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना, समझ गए? समझ गए बेटा? यस सर. कोई डाउट इस पे? नो सर. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. ये तो हो गया एक कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी का. मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इट इज 0.75 × 10⁵ हर्ट्ज. यहाँ पर भी वही फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये नहीं बदलेगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ले लिए सर. चलो, स्पीड इन वाटर इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. क्या बेटा, अच्छा ये निकाल लिया क्या तुमने? चलो. यस सर. बाय स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ जब लिखोगे तुम तो क्या आ जाएगा, sin I / sin R. तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई और ये वाला एंगल हो गया आर, इक्वल्स टू स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर इज इक्वल्स टू म्यू. दिस इंप्लाइज दैट स्पीड इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड इन वाटर नहीं पता और ये वाली वैल्यू कितनी है, 1.5. ये निकल के जाएगा स्पीड इन वाटर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय 1.5. ये कट के 2 बचेगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गई. समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर. अब वेवलेंथ निकालना है. तो वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या कर लो, सिंस फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन एयर इज इक्वल टू स्पीड इन वाटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन वाटर डायरेक्ट. समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो वेवलेंथ इन वाटर निकल के आ जाएगा, वेवलेंथ इन वाटर इज क्रॉस मल्टीप्लाई स्पीड इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर इनटू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन एयर. बस वैल्यू पुट कर दो, सारे डेटा दिए हुए. पानी पे स्पीड है 2 × 10⁸, एयर पे स्पीड है 3 × 10⁸. एयर पे वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम. तो इसको एंगस्ट्रॉम पे लिखा रहने तो आंसर निकल जाएगा, 10⁸ से कट गया और ये आंसर कितना आ गया यहाँ पे वेवलेंथ का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेवलेंथ इन वाटर इज 8000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3 × 3 = 6 बचा कितना, 2. इतना एंगस्ट्रॉम, 2666.6 एंगस्ट्रॉम इज द वेवलेंथ इन वाटर. समझ गए?
हेलो, अरे कुछ तो कहा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस सर। ये म्यू है तो ये हो जाएगा साइन 16 डिवाइडेड बाय साइन आर। म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, मतलब होता है 3/2। तो साइन आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 3/2। और साइन 60 होता है रूट 3/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 1/√3। लेकिन ये परफेक्ट वैल्यू पता ही नहीं है हमको कि 1/√3 कहाँ पे होता साइन, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, हेलो। या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से पता चलेगा, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।